मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी को, सीईओ एसवीवी, जो स्वागत भाषण देंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ हमारे जो नए इनिशिएटिव हैं उसमें अपने विचार शेयर करने का वक्त हमको दिया। मैं ऑल्सो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल एंड ऑल्सो वेलकम दी सेक्रेटरी DIT मिस्टर JS दीपक, हु इज़ बीन ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल। उनकी मार्गदर्शिता से ही हम लोग ये काम शुरू किए हैं और उनका मार्गदर्शक हमारे साथ चलता रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। वी ऑल्सो वेलकम श्रीमती कावेरी मुखर्जी, सेक्रेटरी पोस्ट। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें हमारा उद्देश्य है कि जो पोस्टल आउटलेट्स हैं देश में उन सबको CSC की सर्विस दी जाए और जो CSCs हैं वो पोस्टल सर्विसेज को दी जाए। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम ने काफ़ी मदद की है और हम लोग जल्दी से जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये जो एग्रीमेंट है इसको सारे देश में लागू कर पाए। वी ऑल्सो वेलकम मिस्टर श्रीधर, द CEO एंड CEO ऑफ कनेक्ट इंडिया। आपने पहले पैनल डिस्कशन में कनेक्ट इंडिया के बारे में सुना, कनेक्ट इंडिया का विजन सुना कि कनेक्टिंग इंडिया बोथ बाई लॉजिस्टिक एज वेल बाई स्प्रिट, मतलब लोगों को एक साथ जोड़ना, ये कनेक्ट इंडिया विजन है। और एक बहुत जो बड़ी अच्छी बात हुई है कि इस संसार में 110 साल पुरानी कंपनी जिसको UPS बोलते हैं, जो अमेरिका में सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, उसका कनेक्ट इंडिया के साथ टाई अप है और कनेक्ट इंडिया हम और VLE मिल करके वो सारे देश में एक नेटवर्क बनाएंगे जो कि बहुत यूनिक होगा और हमारे VLE भाई गाँव में मदद कर पाएंगे और अपना बिजनेस और एंटरप्राइज बढ़ा पाएंगे। मैं ऑल्सो दी अदर पैनलिस्ट ऑल्सो वेलकम ऑल दी अदर पीपल हु कम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑल्सो वेलकम ऑल दी ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक PayTM, PayU and the pump cart, all those people who have come and participated. We have today, sir, about 12 companies who have come to participate and share their experiences with VLE. हमारे VLE भाइयों को साथ उन्होंने शेयर किया है कि वो लोग कैसे हमारे VLE भाइयों को देश में ये एंटरप्राइज और नई अपॉर्चुनिटी। हम लोग सब सोचते थे कि हम G2C और B2C सर्विस करेंगे लेकिन देश बदल रहा है। जैसे उम्मीदें बदल रही है वैसे देश बहुत बदल रहा है और देश के बदलाव में ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन अभी तक गाँव में इसका जो असर है वो बहुत कम है। ये लोग भी उस समाधान को ढूंढ रहे हैं। आज की इंटरेक्शन से ऐसा लगता है कि सारी लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स कंपनीज ने रियलाइज किया है कि हमारे देश में ये VLE का जो पोटेंशियल है, जो CSC का पोटेंशियल है, वो इतना फिनोमिनल है कि एक्चुअल में देश के बदलाव में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उनको अपना बिजनेस भी एक्सपेंड किया। 75% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट बी आउटसाइड ई कॉमर्स एंड कैन नॉट बी आउट ऑफ लॉजिस्टिक और उसका जो बिंदु होगा वो हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेनर और कॉमर्स सर्विस सेंटर एंटरप्रेनर्स होंगे। हमारे सारे VLEs ने आज उनको कमिट किया है कि वो एक्साइटेड हैं और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सर मैं आपसे शेयर करता सकता हूँ क्योंकि ये जगह थोड़ी कम थी तो हमने एक थोड़ा हॉल लिया हुआ है। इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग ऑन अदर साइड एंड दे आर स्क्रीइंग एंड दे आर सीइंग एंड वीविंग दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी। बाकी VLE भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत दूर से लोग आए हैं, कुछ बंगाल से, कुछ बिहार से, और बड़े एक्साइटेड हैं और हम तो सब लोगों को कहते हैं कि हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर में बहुत एनर्जी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो उसी गांव में रह करके पढ़ा लिखा आदमी एक व्यवसाय करना चाहता है, ये सबसे बड़ी बात है। उसी गांव का है, उसकी एबिलिटी टू ट्राई एंड कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट कम्युनिटी बहुत अच्छी है और वो बहुत उसमें एसेंस है। हम ये भी कहते हैं कि हमारे आज सर विमेन एंटरप्रेन्योर नहीं है और आप तो बहुत मोटिवेटिंग फोर्स रहे हैं हमारे लिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब से सर ने हमारे साथ हमारे एक दो वर्कशॉप में ऑर्गेनाइज किया हमारे VLEs में नई जान आ गई, नई एनर्जी आ गई
इनके चेहरे बदल गए हैं, इनकी चाल बदल गई है। अब बड़ी जल्दी जल्दी चलते हैं सर, पहले थोड़ा धीरे धीरे चलते थे। पहले हम लोगों को बुलाना पड़ता था, धीरे आराम से आते थे, लेकिन अभी बहुत एक्साइटमेंट है और सब आपकी बदौलत है सर। आपने जैसा कहा है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनका कमिटमेंट है, कन्विक्शन है, आपके सब आपके सुझाव इनकी सर आंखों पर है। ये देश की सेवा करेंगे, अपने लिए बिजनेस बनाएंगे। हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है सर, वो ये है कि हम इन विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दें। इस देश में 2,50,000 होगा, ये बेचारे B2C करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, ये दो B2C करते हैं और ये UID का एनरोलमेंट करते हैं, ये एजुकेशन सर्विसेज करते हैं और ये भी लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्स करेंगे। तो ये कोई मैनेजिंग डायरेक्टर ही मैनेज कर सकता है। और आपको खुशी होगी सर जानकर के कुछ बच्चे तो एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर लिखना शुरू भी कर दिए हैं। लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ घुगना, CSC घुगना, इन दैट प्लेस। बहुत एक्साइटिंग है सर। और कुछ आपने जैसे कहा था कि हमारे हम कोशिश करें कि वीमेन एम्पावरमेंट भी थ्रू CSC के थ्रू हो सके। हमारे 19% मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, 19% BLE वीमेन है। जो वीमेन है वो थोड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारी स्टडीज शोज करती है, देयर मोर कमिटेड, मोर कन्विक्शंस आर देयर एंड दे डू एक्सट्रीमली वेल। हमारे पास एक मंत्री जी ने कहा था कि हम जो एकदम गरीब वुमेन है उनको कैसे ICT के माध्यम से एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप बना सकते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा चैलेंजिंग था। हमने बिहार के डिस्ट्रिक्ट में करीब 500 महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती थी उनको ट्रेन किया है और ट्रेन करने के बाद उसमें 40 ऐसी महिलाएं जो कि कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं। थोड़ा सा जर्नी, थोड़ा स्ट्रगल होगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन ये संभव है ICT के माध्यम से। और महिला के उद्यान होने से ये अच्छा रहता है कि वो महिला के साथ साथ परिवार का उद्धार होता है। सर हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो 2,50,000 सेंटर जो कि पहले 3 साल में करना था और आपने अब कह दिया कि मार्च 2016 से कम्प्लीट होने चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सेंटर आपके अनुसार हम सेटअप कर सकें। और ये 2,50,000 सेंटर जो कि देश में पहले कभी नहीं हुआ है, वो ऐसा मूवमेंट, ऐसा आंदोलन होगा जो इस देश में हर गांव, हर कोने में इसकी गूंज होगी। और हम सब आपको मिल करके याद रखेंगे कि आपने ये इनिशिएटिव लेकर के हमें वो इग्निशन, वो एनर्जी और वो एंथुजियाज्म और वो जील और पैशन जनरेट किया है ताकि हम देश में, इस गांव में, इस देश में एक बदलाव ला सकें। थैंक यू वेरी मच।